राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम
जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी। पापियों के नाश को, धर्म के प्रकाश को, पापियों के नाश को, धर्म के प्रकाश को, राम जी की सेना चली, 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 हर हर महादेव। इसी क्रम में हर हर महादेव, पाप अनाचार में, घोर अंधकार में, पाप अनाचार में, घोर अंधकार में, एक नई ज्योति जली, एक नई ज्योति जली, डीजे से दूर ही रहना, क्योंकि इस डीजे की आवाज से आपके कानों के पर्दे हट सकते हैं। Thank you.
मैया तेरे भक्तों को, मैया तेरे भक्तों को, तेरा ही सहारा है। तेरे बिना इस जग में, तेरे बिना इस जग में कोई ना हमारा है। मैया तेरे भक्तों को तेरा ही सहारा है। दर्शन से ओ मैया, मैया तेरे दर्शन से मिट जाए दुख सारा है। चलता गुजारा है मैया तेरे भक्तों को, तेरा ही सहारा है। मतलब के रिश्ते हैं
मुश्किल में ना दिखते हैं इस झूठी दुनिया में। ओ मैया इस झूठी दुनिया में सच्चा प्यार तुम्हारा है। तेरे भक्तों को तेरा ही सहारा है। हम आज दशहरा पर्व की भक्तों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। विजयदशमी के रूप में ही इस दिन को मनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हम आज दशहरा पर्व की भक्तों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। विजयदशमी के रूप में ही इस दिन को मनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। भक्तजनों, आज हम आपको दशहरे के पावन पर्व की कथा सुनाएंगे जिसे विजयादशमी के रूप में मनाया जाता है। प्रिय भक्तों, आप सभी भली भांति परिचित हैं कि श्री राम ने जब रावण का संहार किया था तो इसी उपलक्ष में विजयदशमी अर्थात दशहरे का पर्व मनाते हैं। प्रिय भक्तों, श्री राम प्रभु ने रावण सहित अनेकों दैत्यों का संहार करने के लिए अवतार लिया था, किंतु आज हम जानने की चेष्टा करेंगे कि रावण जो एक ऋषि पुत्र और महान शिव भक्त था, उनके संहार के लिए स्वयं विष्णु जी को श्री राम अवतार में क्यों आना पड़ा। ब्रह्मा जी के पुत्र थे भक्तों ऋषि पुलत्स्य महान सब वेदों